जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की है सॉल्युबिलिटी की, तो अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, What do you know about the life molecules? Life molecules तो नीचे है, लेकिन यहाँ पे पहला question जो मैंने यहाँ से बनाया है आपको याद होना चाहिए, What is the importance of organic compounds? तो ये question इस तरह भी आ सकता है कि organic compounds यानी organic chemistry का overall scope क्या है, इसका area क्या है, इसकी validation क्या है, इसकी implementation क्या है और इसकी application क्या है। बहुत वाइड रेंज है, बड़ा एक वास्ट एक वसी फील्ड है ये। ओके, तो यहां पे चंद एक चीजें मैं आपको रीड कर देता हूं। ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्वॉल्व लाइफ मॉलिक्यूल्स, यानी तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं या उसमें वकूअ पज़ीर होते हैं, तो इनमें लाइफ मॉलिक्यूल्स की बात हुई है तो उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लियक एसिड्स। अब यहां क्वेश्चन बना है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे कोई भी बंदा क्वेश्चन करता है तो आपको इसका आंसर लाजमी आना चाहिए कि लाइफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ऑयल, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटस्टास, ये तमाम क्या हैं? दीज आर नोन एज लाइफ मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, वी आर डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिंस। तो बच्चे आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक कौन कौन से फील्ड के साथ है। याद रखिएगा कि फूड का डिपार्टमेंट जितना भी है वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उसमें, क्लॉथिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, मेडिसिंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, केमिस्ट सिंथेसाइज प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक जाहिर बात है अभी तो प्लास्टिक आपको हर जगह नजर आती है, पॉलीमर्स आपको हर जगह नजर आते हैं, तो उसमें चाहे विंडोज हैं, चाहे डोर है, चाहे आपका जूता है, तो ये तमाम क्या हैं जी, ये प्लास्टिक। आगे रबर भी इसी से मिलता जुलता है। डिटर्जेंट्स की बात की है, पेंट्स की बात की है, वार्निशेस की बात की है, मेडिसिंस की बात की है, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये टॉक्सिक पॉइजन केमिकल होते हैं, कॉस्मेटिक्स, सोप, पेपर, सीमेंट, डाइज, रंग वगैरह एंड मैनी मोर, बहुत सी और भी चीजें आती हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, या हम उन तमाम किस्म के कंपाउंड्स का अहाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख के करते हैं। तो याद रखिएगा, आगे हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं। पहले तो ये दो सोर्सेज हैं जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ये दो मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो आगे चलते हैं, नोवाडेज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी सिर्फ यही नहीं है कि लिविंग बॉडीज में एनिमल्स की बात है या प्लांट्स की बात है, इसके अलावा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये तमाम सोर्सेज भी क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्राहम करने में हमें मदद करते हैं। और आगे क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल, मैंने क्वेश्चन ऊपर बना दिया है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, के फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो नीचे मेटा इसका आंसर मौजूद है। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, यानी यही जो मैंने ऊपर बोला है जो कि सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये तमाम आई मीन्स पेट्रोलियम,
कोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, हम इनको फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी पेट्रोलियम कैसे बनता है, कोल कैसे बनती है और नेचुरल गैस कैसे बनती है, इन तीनों चीज़ों की डिटेल हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट मैंने बता दिया है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लंबे अरसे तक ये लिविंग बॉडीज यानी प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में दबे रहें अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर, तो याद रखिएगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स में टर्न हो जाते हैं। तो बेटा आपका होमवर्क आज का ये है, आपने ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से नोट करनी है, इनको पढ़ना है, इनको सीखना है, और ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये पोर्शन क्वेश्चंस का एक है बेटा, क्वेश्चंस का दूसरा पोर्शन आपके सामने ये है, क्वेश्चंस का तीसरा पोर्शन आपके सामने ये है। तो क्वेश्चन इनमें से किसी तरह भी बन के आ सकता है, स्टेटमेंट को चेंज करके बन के आ सकता है, तो आपने डीपली इन तमाम चीज़ों को करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको यही करना होगा। अल्लाह हाफिज़।